नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज के अंतर्गत आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश में जल विद्युत केंद्रों के बारे में पढ़ेंगे। हमारी लास्ट वीडियो में हमने ताप विद्युत केंद्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करी थी कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के ताप विद्युत केंद्र हैं और उनकी क्या खासियत है, कितनी विद्युत उनसे उत्पन्न की जाती है। आज की इस वीडियो में हम जल विद्युत केंद्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो जल विद्युत केंद्रों के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे चंबल घाटी परियोजना को। चंबल घाटी जो परियोजना है, चंबल घाटी परियोजना पर तीन परियोजनाएं स्थित है। कौन कौन सी तीन परियोजनाएं स्थित है? तो पहली है जो है वो गांधी सागर। गांधी सागर जो परियोजना है ये मंदसौर जिले में स्थित है। मंदसौर जिले में गांधी सागर परियोजना स्थित है। ये मध्य प्रदेश की प्रथम परियोजना है। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश की प्रथम परियोजना है जो कि मंदसौर जिले में स्थित है। यदि इसके उत्पादन क्षमता की बात करें तो ये 115 मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है। कौन? गांधी सागर परियोजना जो है ये 115 मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है। 1960 में ये बनाई गई थी, 1960 में ये अस्तित्व में आई थी, गांधी सागर परियोजना। और चंबल नदी पर ये स्थित है। तो ये जो गांधी सागर परियोजना है ये मंदसौर जिले में है। ये मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है और ये जो परियोजना है इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो 115 मेगावाट बिजली इससे उत्पन्न होती है। चंबल नदी पर स्थित है और 1960 में ये अस्तित्व में आई थी। यदि हम अगली परियोजना की बात करें तो वो है राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर परियोजना जो है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है राणा प्रताप सागर परियोजना। 172 मेगावाट बिजली ये उत्पन्न करती है। 172 मेगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता के साथ राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है, चंबल नदी पर स्थित है। तो जो राणा प्रताप सागर परियोजना के बारे में हम देखेंगे तो राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यदि इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो 172 मेगावाट ये बिजली उत्पन्न करती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है और ये चंबल नदी पर स्थित है। तो ये हो गई राणा प्रताप सागर परियोजना। अगली जो परियोजना वो है जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना कोटा में स्थित है, राजस्थान के कोटा में स्थित है। इसी को कोटा बैराज परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। कोटा बैराज इसको कहा जाता है, जवाहर सागर परियोजना को। यदि हम इसके उत्पादन क्षमता की बात करें तो 99 मेगावाट बिजली का ये उत्पादन करती है। कौन सी? जवाहर सागर परियोजना है, 99 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये क्या है? संयुक्त परियोजना। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और चंबल नदी पर स्थित है। तो जो जवाहर सागर परियोजना है ये कोटा राजस्थान में स्थित है, कोटा बैराज के नाम से इसे जाना जाता है। ये 99 मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और चंबल नदी पर स्थित है। तो ये हमने चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत तीन परियोजनाओं के बारे में चर्चा की है। अब है नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत चार मुख्य परियोजना है। कौन कौन सी है? पहली है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जो है वो गुजरात के भरोच जिले में स्थित है। गुजरात के भरोच जिले के नौगांव में ये स्थित है। कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना यदि बात करें तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। चूंकि नर्मदा घाटी परियोजना की बात कर रहे हैं तो सारी ये परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। गुजरात के भरोच जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। यदि उसके उत्पादन क्षमता की बात करें तो 1462 यानी 1462 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करती है। कौन सी परियोजना? सरदार सरोवर। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना, यानी ये चार राज्यों की संयुक्त परियोजना। कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना, जो कि गुजरात के भरोच जिले में स्थित है और ये सर्व विवादित परियोजना है। हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में देखा था, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करी थी। इसके विवाद के निपटारे के लिए समय समय पर समितियां या कमेटियां बनी है, उनके बारे में भी हमने देखा था। तो अगली जो परियोजना है वो है इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना जो है वो खंडवा में स्थित है, खंडवा के पुनासा में ये स्थित है। यदि इसके उत्पादन क्षमता की बात करें तो 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करती है। कौन सी? इंदिरा सागर परियोजना। इसका शिलान्यास किया था 1984 में हमारे देश की प्रधानमंत्री थी जो इंदिरा गांधी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। नर्मदा नदी पर ये स्थित है। अगली जो परियोजना है वो है ओमकारेश्वर परियोजना। ओमकारेश्वर परियोजना जो स्थित है वो खंडवा जिले में स्थित है, खंडवा के ओमकारेश्वर में स्थित है, इसलिए इसका नाम ओमकारेश्वर परियोजना पड़ गया। ये मंधाता में ये स्थित है, ओमकारेश्वर के मंधाता में स्थित है। उत्पादन क्षमता में बात करें तो ये 520 मेगावाट विद्युत का उत्पादन इस परियोजना के द्वारा किया जाता है। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर की मंधाता में स्थित है, 520 मेगावाट बिजली के उत्पादन कर दिए। अगली जो परियोजना है वो है महेश्वर परियोजना। महेश्वर परियोजना खरगोन जिले के महेश्वर में स्थित है। जो ओमकारेश्वर थी ये खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में, और महेश्वर जो है वो खरगोन जिले के महेश्वर में स्थित है ये परियोजना। ये 450 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करती है। कौन सी परियोजना? महेश्वर।
अगली जो परियोजना है वो है बरगी परियोजना। बरगी जो परियोजना है ये जबलपुर जिले में स्थित है, जबलपुर के बिजौरा में स्थित है, बरगी नदी पर स्थित है। बरगी नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी है, बरगी नर्मदा की सहायक नदी पर ये बिजौरा जबलपुर में बरगी परियोजना स्थित है। यदि इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो 100 मेगावाट विद्युत का ये उत्पादन करती है। कौन सी बरगी परियोजना? टोंस परियोजना। टोंस घाटी जो परियोजना इसके बारे में बात करें तो ये रीवा जिले में स्थित है, रीवा जिले में ये टोंस नदी पर स्थित है, रीवा जिले में भी ये टोंस नदी पर स्थित है। उत्पादन क्षमता की बात करें तो 315 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करती है। कौन सी? टोंस घाटी परियोजना। आगे कुछ और परियोजना है उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम अपनी बाकी की जो बची हुई परियोजनाएं हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो जो पहली परियोजना है वो है बाणसागर परियोजना। बाणसागर परियोजना जो है वो शहडोल जिले में स्थित है, शहडोल जिले के देवलोंद गांव है। शहडोल जिला जो है उसके अंतर्गत एक देवलोंद गांव आता है, उसमें ये परियोजना स्थित है, सोन नदी पर स्थित है। यानी जो बाणसागर परियोजना है वो शहडोल जिले में स्थित है, शहडोल जिले के देवलोंद गांव में स्थित है, सोन नदी पर। बाणसागर जो है, बाणसागर ये हर्ष के दरबारी थे, इन्होंने 14 साल जो थे सोन नदी के किनारे बिताए थे। हमने अपने नदियों वाले पोर्शन में ये पढ़ा था। यदि इसके उत्पादन क्षमता की बात करें तो 435 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है इस परियोजना के द्वारा। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना, यानी ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अगला जो है वो है पेच घाटी परियोजना। पेच घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? वो है छिंदवाड़ा जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पेच घाटी परियोजना स्थित है, पेच नदी पर स्थित है। चूंकि ये इसका नाम पेच घाटी परियोजना इसलिए पड़ा क्योंकि ये पेच नदी पर स्थित है। यदि उसकी क्षमता की बात करें तो 160 मेगावाट विद्युत का उत्पादन इस परियोजना के द्वारा किया जाता है। यदि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ये संयुक्त परियोजना है, यदि इसकी बात की जाए कि ये किसके सहयोग से, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के सहयोग से ये परियोजना संचालित है और दोनों की संयुक्त परियोजना है। अगली परियोजना है राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है वहां पर स्थित है। यदि इसके अलावा बात की जाए तो उत्तर इसका नाम माता टीला परियोजना भी है। राजघाट परियोजना के अलावा यदि बात की जाए तो माता टीला और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। यदि बात करें कि ये कौन सी नदी पर स्थित है तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। इसकी 45 मेगावाट की उत्पादन क्षमता है, यानी बेतवा नदी पर स्थित है और उत्पादन क्षमता इसकी 45 मेगावाट है। हीराकुंड परियोजना, अगली जो है हीराकुंड परियोजना, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये मध्य प्रदेश में नहीं, उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। कौन सी? हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा की ये संयुक्त परियोजना है। कौन सी? मध्य प्रदेश और उड़ीसा की ये संयुक्त परियोजना है। कौन सी? हीराकुंड परियोजना। अगली जो परियोजना है वो है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के पिपरी गांव में स्थित है। कौन सी परियोजना है? रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के पिपरी गांव में स्थित है और रिहंद नदी पर ये परियोजना स्थित है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपनी जो नदी घाटी परियोजनाएं थी, नदी घाटी जो ये परियोजनाओं के अंतर्गत जो भी विद्युत का, जल विद्युत का उत्पादन, इनके द्वारा जो भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। आगे की वीडियो में हम मध्य प्रदेश में पशुधन के बारे में चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में किस तरीके का पशुधन पाया जाता है, कौन कौन से पशु मध्य प्रदेश में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कौन से कम हैं, तो इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।